Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says that two particles A and B having charges Q and 2Q respectively are placed on a smooth table with a separation D. A third particle C is to be clamped on the table in such a way that the particles A and B remain at rest on the table under electrical forces. What should be the charge on C and where should it be clamped? Okay. वट इज गिवन हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी. पार्टिकल ए पे जो चार्ज है दैट इज क्यू एंड पार्टिकल बी पे जो चार्ज है दैट इज टू क्यू. इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज डी. राइट नाउ ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा. कितना लगेगा? के क्यू टू क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर. सिमिलरली इसमें भी बाहर की तरफ लगेगा दैट इज के क्यू टू क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर. नाउ आप देखो कि अभी जो दोनों पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं सो दोनों पार्टिकल्स पे जो फोर्स है वो बाहर की तरफ है. नाउ हमें दोनों पार्टिकल्स को रेस्ट में रखना है. इट मीन्स जो नेट फोर्स होना चाहिए दोनों पार्टिकल्स पे वो कितना होना चाहिए? जीरो. सो अभी हमारे पास क्या है कि एक थर्ड पार्टिकल है पार्टिकल सी, उसे हम लाएंगे सो दैट दोनों पार्टिकल्स पे जो फोर्स आएगा ना वो अंदर की तरफ आएगा. सो पार्टिकल सी को आप कहाँ रखोगे? यहाँ पे इन दोनों के बीच में. एंड पार्टिकल सी पे जो चार्ज होगा ना वो नेगेटिव चार्ज होगा, लेट्स से माइनस ऑफ क्यू वन. नेगेटिव चार्ज क्यों होगा? बिकॉज इफ द चार्ज ऑन पार्टिकल सी इज नेगेटिव देन जो फोर्स आएगा पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी पे बिकॉज ऑफ पार्टिकल सी वो अंदर की तरफ आएगा है ना. जो पार्टिकल सी है वो पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी को अट्रैक्ट करेगा. सो देखो इस पे जो फोर्स लगेगा, पहले आप डिस्टेंस एज्यूम कर लो. जो डिस्टेंस है पार्टिकल सी का पार्टिकल ए से, लेट्स से दैट इज एक्स. सो सी एंड बी में जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज डी माइनस एक्स. राइट नाउ पार्टिकल ए पे जो फोर्स आएगा बिकॉज ऑफ पार्टिकल सी वो आएगा के क्यू क्यू वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. एंड पार्टिकल बी पे जो फोर्स आएगा बिकॉज ऑफ पार्टिकल सी दैट विल बी के टू क्यू इन टू क्यू वन डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर. राइट नाउ नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. पार्टिकल ए पे जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए, देन ओनली जो पार्टिकल ए है वो रेस्ट में रहेगा. सो यू कैन सी कि के क्यू टू क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के क्यू क्यू वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. नेट फोर्स ऑन पार्टिकल ए दैट इज जीरो, उसकी कंडीशन ये रही. एंड ये क्वेश्चन वन है ना. नेट फोर्स ऑन पार्टिकल बी वो भी कितना होना चाहिए? जीरो. तो आप देखो ये वाला जो फोर्स है टू के क्यू क्यू वन डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ये जो बाहर की तरफ फोर्स है पार्टिकल बी पे के क्यू टू क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर. सो ये इक्वेशन टू हो गई. नाउ दो इक्वेशंस है एंड वेरिएबल्स कितने हैं? आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स नहीं पता और दूसरा क्यू वन नहीं पता. राइट एक एक्स नहीं पता और दूसरा क्यू वन नहीं पता. दो इक्वेशन दो वेरिएबल हम सॉल्व कर सकते हैं. सो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. के से के कैंसिल हो रहा है, क्यू से क्यू भी कैंसिल हो जा रहा है. सो काइंड ऑफ इस इक्वेशन को देखो, यहाँ से आ रहा है टू क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू वन बाई एक्स स्क्वायर. एंड सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. के क्यू से कैंसिल हो जाएगा, टू से टू भी कैंसिल हो जा रहा है. सो यहाँ पे आ रहा है क्यू वन डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर. राइट सो नाउ क्या करते हैं, एक काम करते हैं. यहाँ से इक्वेशन वन से क्यू वन का वैल्यू निकालो, कितना आएगा? टू क्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर. और ये जो क्यू वन है इसे यहाँ पे पुट कर दो. सो दैट विल बी टू क्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर. और यहाँ पे डी माइनस एक्स का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर. सो यहाँ से क्यू कैंसिल हो गया और डी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया. सो टू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी माइनस एक्स का स्क्वायर. सो दोनों तरफ रूट ले लेते हैं. सो प्लस माइनस अंडर रूट टू एक्स दैट इज इक्वल टू डी माइनस एक्स. बट आप देखो जो डी माइनस एक्स है वो पॉजिटिव होगा, सो दैट्स वाई यहाँ पे माइनस वाला हम ड्रॉप कर देंगे. सो अंडर रूट टू एक्स दैट इज इक्वल टू डी माइनस एक्स. सो काइंड ऑफ एक्स को उस तरफ ले जाओ, अंडर रूट टू प्लस वन दैट इज इक्वल टू डी. सो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू प्लस वन. और आप इसे लाइक रेशनलाइज कर सकते हो.
ऊपर नीचे अंडर रूट टू माइनस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू माइनस वन इंटू डी। क्या करना है, रैशनल रैशनलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को, अंडर रूट टू माइनस वन और अंडर रूट टू माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, तो जो जो डिनोमिनेटर है वो वन हो गया और जो न्यूमरेटर है वो अंडर रूट टू माइनस वन इंटू डी हो गया, राइट। सो ये वैल्यू है एक्स का, एक्स आ गया। अभी क्या फाइंड आउट करना था, क्यू वन। सो क्यू वन हमने यहाँ पे लिखा था ना, ये रहा क्यू वन। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, टू क्यू एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट टू माइनस वन का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। सो ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो वट यू आर गेटिंग, क्यू वन दैट इज इक्वल टू टू अंडर रूट टू माइनस वन का स्क्वायर इंटू क्यू। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड नाउ। और ये नेगेटिव चार्ज होगा, जो क्यू वन होगा वो नेगेटिव होगा, सो यू हैव टू टेक अ माइनस साइन। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।